शिमला की रहने वाली आशा देवी ने फॉरेंसिक लैब जुन्गा के निदेशक पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक लैब जुन्गा में उनके पति दैनिक भोगी आधार पर सेवारत हैं और 1 अक्टूबर को वे रेगुलर होने थे, लेकिन निदेशक ने उन्हें रेगुलर नहीं किया बल्कि उनके पति के साथ काम करने वाली एक महिला को रेगुलर कर दिया। उन्होंने सरकार से अपने पति को रेगुलर करने की गुहार लगाई है। शिमला निवासी आशा देवी ने वीरवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उनके पति फॉरेंसिक लैब जुन्गा में दैनिक भोगी आधार पर सेवारत है और 1 अक्टूबर को उनके पति रेगुलर होने थे, लेकिन उनके पति को रेगुलर नहीं किया गया। आशा देवी का कहना है कि वे काफी गरीब हैं, जिस वजह से वे अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पति रेगुलर होते तो घर की आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी। आशा देवी ने फॉरेंसिक लैब जुन्गा के निदेशक पर आरोप लगाते हुए कहा कि निदेशक ने उनके पति को रेगुलर नहीं किया बल्कि उनके पति के साथ काम करने वाली एक महिला को रेगुलर किया है। आशा देवी ने निदेशक पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आशा देवी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र के माध्यम से शिकायत भेजी है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके पति को रेगुलर किया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मेरा नाम आशा देवी है सर, मैं संजौली शिमला से हूँ और मेरे पति FSL जुन्गा में श्री राजकुमार लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे हैं। उनको अक्टूबर में रेगुलर होना था, 1 अक्टूबर को, और उनको रेगुलर नहीं किया गया, उनका केस पेंडिंग में डाल दिया गया। लेकिन जो उनके साथ दूसरे लेडीज थे कमला देवी, उनको उन्होंने रेगुलर कर दिया है, डॉक्टर अनु शर्मा जी ने, जो निदेशक हैं वहाँ के। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पति को जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए और इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, जो मतलब मेरे पति रेगुलर हो। बस मेरी यही मांग है कि मेरे पति को जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, हम लोग बहुत परेशानी भुगत रहे हैं, अब हमसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने हमारे को इतना हरास किया है कि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने हाई कोर्ट की बात करी, अभी क्या वहाँ पर भी केस चल रहा है? नहीं, केस नहीं लगा है अभी। क्या अगर मांग नहीं मानते क्या करेंगे आप आगे, धरना देने की बात? हाँ जी, हम CM है, उसके बाद में जो भी मेरे को दिमाग में आएगा मैं वो तभी करूंगी। आपने तो और जगह भी कहा है कि मैंने CM, PM सभी जगह। हाँ जी, उनको हमने एप्लीकेशन दी थी, अपनी जो परेशानियां हैं वो उनको लेटर के थ्रू हमने उनको बताया। कोई जवाब वहां से हमारे को रिप्लाई आया, लेकिन जो फोरेंसिक से निदेशक महोदय जी ने कोई इसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।